एनपीएस कर्मचारियों ने सड़क हादसे में मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को लगभग 17.5 लाख की सहायता राशि प्रदान की है। हरियाणा और हिमाचल के कर्मचारियों ने 17.5 लाख की राशि मृतक सुरेश के परिजनों को सौंपी। पहली बार प्रदेश में किसी संघ ने इतनी बड़ी मदद हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संघ ने दी है। इस राहत राशि में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संघ ने 15 लाख तथा हरियाणा कर्मचारी संघ ने 2.5 लाख का आर्थिक मदद की। जानकारी के मुताबिक पीजीआई में तैनात पंप ऑपरेटर सुरेश गौतम की मौत 30 अप्रैल को दिल्ली में पेंशन बहाली के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर की रैली में भाग लेने के बाद लौटते समय करनाल में हुई थी। इसके बाद संघ ने प्रदेश सरकार से भी मदद की मांग की थी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। यहां तक कि किसी भी राजनीतिक दल ने परिवार की सुध लेना जरूरी नहीं समझा। सुरेश अपने परिवार का इकलौता सहारा था। सुरेश गौतम के परिवार में बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 3 साल के बेटे को वे छोड़ गए हैं। एनपीएस संघ ने अपने स्तर पर मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इसके बाद एनपीएस संघ हिमाचल और हरियाणा ने मिलकर 17.5 लाख की आर्थिक मदद के रूप में दी। इस कड़ी में हरियाणा के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र धरवाल ने 2.5 लाख की आर्थिक मदद दी। हिमाचल के राज्य प्रधान नरेश ठाकुर, राज्य महासचिव भरत शर्मा व अन्य लोगों ने मिलकर लगभग 15 लाख का चेक सौंपा है। राज्य अध्यक्ष नरेश ठाकुर का कहना है कि एक सरकारी कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो जाती है, लेकिन हैरानी की बात है कि राज्य सरकार की ओर से कर्मचारी के परिवार की सुध तक नहीं ली गई। स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी परिवार की मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि संघ आगे भी इस तरह मदद करता रहेगा। हम स्वर्गीय श्री सुरेश गौतम जी के यहाँ पर आए हैं, उनके घर आए हैं, जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल को करनाल में रामलीला मैदान से वापसी के आते समय हुई थी। हम उनके घर में उनके परिवार को आज संतावना देने आए हैं। साथ में ही हम पूरे हिमाचल प्रदेश से एक सम्मानजनक राशि उनके परिवार के लिए एकत्रित कर पाए हैं, वो भी हम आज चेक के माध्यम से उनको देंगे। नरेश ठाकुर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, और साथ में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र धारीवाल जी भी हमारे साथ हैं, जो 2.5 लाख रुपये की राशि लाए हैं अपने हरियाणा से एकत्रित करके। वो हिमाचल प्रदेश के अंदर कम से कम जो कर्मचारी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या अपंग हो जाते हैं और आगे की नौकरी नहीं कर पाते, कम से कम उनके लिए तो सीसीएस 1972 रूल के अंतर्गत पेंशन का प्रावधान जारी रखा जाए। अभी केंद्र अपने कर्मियों को ये सुविधा दे रहा है, पर हिमाचल प्रदेश में अभी तक ये सुविधा लागू नहीं हो।